पूर्वांचल को राजेंद्र, जो हम पहले चर्चा कर रहे थे कि ये मिलेगा, ये उम्मीदें हैं, उम्मीदों पर खरा उतर रहा है ये बजट, क्या बताया जा रहा है? देखिए दीपा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूर्वांचल पर फोकस किया गया है इस बजट में, क्योंकि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी इसमें धन की व्यवस्था है, पूर्वांचल के लिए अलग से इसमें धन की व्यवस्था है। देखिए, सड़कों का जाल बिछाने के लिए बजट, पूर्वांचल में सड़कों का जाल बिछे ताकि विकास हो, सांस्कृतिक नगरों के विकास के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है पूर्वांचल में, पर्यटन कैसे पूर्वांचल में विकसित हो, खासकर धार्मिक पर्यटन, इस पर जोर दिया गया है इस बजट में जो अभी अभी वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर रखा है। तो ये बजट में पूर्वांचल को बड़ी सौगात है। गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। औद्योगिक गलियारे के लिए गोरखपुर में 200 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है इस बजट में, 200 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए गोरखपुर में। और महिलाओं के लिए क्या मिला ये भी आप हमारे दर्शक देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन में। कन्या सुमंगला योजना के लिए, सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गरीब ओबीसी बेटियों की शादियों के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन है इस बजट में। 3 महिला पीएससी बटालियन का भी गठन किया गया है और कन्या सुमंगला योजना के लिए प्रत्येक उसके लिए 15,000 रुपए का आवंटन किया गया है इस बजट में, जो अभी भी वित्त मंत्री ने सदन में पेश किया है। देखिए आप, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 26 करोड़ रुपए का प्रावधान है इस बजट में। ये बड़ी बात है, नर्सिंग कॉलेजेस को प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ रुपए, स्टार्टअप के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है इसमें, इस बजट में। और टैबलेट स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए। नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना के लिए 26 करोड़ रुपए की स्थापना की गई है। युवा वकीलों की किताब और पत्रिकाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की इसमें व्यवस्था की गई है बजट में। तो इस तरीके से स्टार्टअप को देखिए प्रमोट किया गया है, यहाँ पर 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस ताज़ा बजट में की गई है 2023-24 के लिए। और टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बजट में 2023-24 के लिए। युवा वकीलों को कैसे किताबें और पत्रिकाएं मुहैया हों कोर्ट्स में, इसके लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो ये एक पूर्वांचल पर खासा फोकस किया गया है राजेंद्र, पूर्वांचल को लेकर जो एक्सप्रेसवे का जाल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेसवे के लिए जो बजट आवंटित किया गया है, पहले जो बजट था उसमें इजाफा किया गया है और सड़कों का जाल बिछता हुआ यहाँ पर और भी मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है। जो बजट आवंटित किया गया है उससे आने वाले वक्त में दिखाई देगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।